आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VLOOKUP की ट्रिक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था VLOOKUP के जगह पे मैच इंडेक्स, HLOOKUP और लुकअप फॉर्मूला वगैरह कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम बात करेंगे आपके साथ कि VLOOKUP के ट्रिक्स क्या क्या है और किस तरह से डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं डेटा को ओपन करता हूं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे डेटा में से कि सुजीत कुमार है और मैं यहां पे सुजीत को सर्च करना चाहता हूं। तो अगर हमने सुजीत कुमार पूरा लिखा तो हम VLOOKUP में सर्च कर लेंगे कि VLOOKUP, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके हमें सैलरी चाहिए तो comma 3, comma 0 कर दिया। यहाँ पे आपको 66,000 रुपये सैलरी दिख गई। लेकिन ऐसे मान लीजिए कि अगर हम सुजीत कुमार कर दिए ऐसे तो एन आए, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके डेटाबेस में कभी फुल नेम होता है, कभी शॉर्ट नेम होता है, तो आपको फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ जाता है। तो हम चाहते हैं ऐसा कि अगर सुजीत लिखूं या सुजीत हो या सुजीत कुमार हो हमारे डेटाबेस में, तो सुजीत के अकॉर्डिंग वो मैच कर ले। जैसे एक फाइंड में हम लोग करते हैं कि हमने फाइंड किया और यहाँ पे हमने सुजीत लिख एंटर मारा तो मैच कर लेता है। तो उसके लिए आपका जो डेटा है उसमें आपको दोनों तरफ स्टार लगाना पड़ेगा, स्टार इस तरह से। तो स्टार लगाते हैं तो आपका कंटेन हो जाता है और आज चाहे वो सुजीत कुमार हो, कुमार सुजीत हो या फिर कुमार सुजीत सिंह हो, सुजीत बीच में हो, लास्ट में हो, फर्स्ट में हो, आपको लुकअप करके हाँ देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि मैं स्टार तो लगाया लेकिन मैं फॉर्मूला के अंदर स्टार लगाना चाहता हूं, देन मैं VLOOKUP यूज करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा में स्टार दूंगा n%, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ऑल्सो n% इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूले में भी हम स्टार लगा के यहां पे लुकअप कर सकते हैं। तो दोनों तरफ स्टार लगाते इट मींस कंटेन। अगर मैं लिखा स्टार सुजीत, इसका मतलब क्या हुआ एन बिथ, और फिर मैं यहां पे लिखा सुजीत और स्टार लगाया इट मींस स्टार्टेड। तो दोनों तरफ स्टार इट मींस कंटेन, फर्स्ट पहले स्टार लास्ट में वर्ड एन बिथ और आपका सुजीत लिखा फिर स्टार लिखा इट मींस स्टार्टेड। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोड होता है, अब कोड क्या होगा आई डोंट नो, तो तीन डिजिट का कोड है इतना पता है लेकिन तीन डिजिट क्या होगा हमें नहीं पता। तो आप चाहते हो तीन डिजिट के हिसाब से लुकअप करें तो आप तीन क्वेश्चन मार्क डाल दें, देन यू कैन लुकअप सुजी, यहाँ पे भी लुकअप, इसको सिलेक्ट कर लिया और डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं comma 3, comma 0 और आपका डेटा यहाँ पे लुकअप हो जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि दो कंडीशंस को मैच करके कैसे लुकअप किया जाता है। तो मेरे पास दो कंडीशंस है मैच करने की। अब मैं डेटा खुद से बनाता हूं, यहां पे हमने लिखा नेम, यहां लिखता हूं सिटी और यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है कि हमारा नेम रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड है लेकिन अलग अलग सिटी के साथ है, अलग अलग सिटी के साथ। तो मैं चाहता हूं कि दो कंडीशन मतलब कि नेम और सिटी को मैच करके फिर मेरा अमाउंट को लुकअप करें। बट VLOOKUP के साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक बार में किसी एक को ही लुकअप करता है। तो मान लीजिए मुझे चाहिए पूजा पुणे में कितनी क्या अमाउंट है उसका,
तो मैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा एंड पूजा और पुणे को कंबाइन कर दूंगा। कंबाइन करने के लिए चाहो तो आप एक सेपरेटर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है सेपरेटर यूज करना, बट कर सकते हो। और कॉन्करेंट कॉमा लगा ले या फिर एंड परसेंट का कॉमा लगा ले, वो आपकी चॉइस है। फिर उसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करते हैं, राइट। यहां पे देखिए पूजा पुणे नीरज दली कनेक्टेड है। फिर यहां जहां हम वी लुकअप लगाएंगे वहां भी इस रूल को फॉलो करेंगे डैश, और इसको हमने पुणे से ले लिया और फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं 1, 2, 3, 3, 0 थ्री नहीं आप 4 होना चाहिए, हाँ 4, 0 और डेटा। अब मैं पुणे के जगह पे मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ MUZ तो मुजफ्फरपुर का आ गया, मैंने कानपुर सिलेक्ट कर लिया तो कानपुर का शेर आ गया, और पूजा के जगह पे कोई और नाम सिलेक्ट कर लिया तो उसका आ गया। तो दो डेटा को आपस में लुकअप करके यहाँ पे हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है करण जी? तो डाउट इसमें नो सर। अब दूसरा एग्जांपल आता है कि मैं दो डेटा को यूज करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां नेम यहां पे है पूजा, और यहां पे हमारा क्वार्टर वन है, पहले क्वार्टर का डेटा है। ठीक है, और मान लीजिए कि अभी तो एक सेम सीट पर रख रहा हूं, दूसरे सीट पे हो सकता है, यहां पे दूसरे दूसरे फाइल में या दूसरे सीट में हमारे पास क्वार्टर टू का डेटा है, राइट सर। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे वैल्यू पेस्ट करता हूं। अब मैं यहां पे पूजा देना चाहता हूं और मैं बोलता हूं कि क्वार्टर वन हो तो मुझे मेरा पहले डेटा से लुकअप करे, लुकअप करे। क्वार्टर टू हो तो दूसरे डेटा से लुकअप करे। तो अगर आपके पास एक दो डेटा है तो उसका यूज हम अलग तरीके से करेंगे, अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो यहां पे हम एक चूज यहां पे इफ कंडीशन लगाते हैं कि इफ अगर ए इक्वल टू क्वार्टर वन, या फिर आपका उसका एक डेटा बना लीजिए, यहां पे मैं डेटा बना लेता हूं क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, तो क्वार्टर वन पे वन हो क्वार्टर टू पे टू, ऐसे लिस्ट बना लेता हूं। फिर वी लुकअप लगाता हूं, मैं वी लुकअप ने पूजा को सिलेक्ट किया, फिर मैं यहां पे चूज को सिलेक्ट करूंगा और चूज में फिर वापस वी लुकअप सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट किया और अपने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा 2, 0। और फिर यहां पे कि अगर इसमें वन है तो पहले डेटा को वी लुकअप को देगा और टू है तो दूसरे डेटा को वी लुकअप को देगा। ऐसे 3, 4, 5 जितने भी सीट्स के डेटा है उसको आप सिलेक्ट करें, फिर चूज को क्लोज करें कॉलर नंबर 2, 0 और मैं यहां पे एंटर मारता हूं रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहां पे क्वार्टर टू करता हूं तो क्वार्टर टू इससे आगे देखिए ट्रेन आ गया, इसका रिकॉर्ड आ गया। देख फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, तो फॉर्मूला एवलेट में जाता हूं, यहां देखता हूं बताता हूं आपको। ये पूजा तो पहले वी लुकअप लगा के क्वार्टर के अकॉर्डिंग सर्च के बताया कि आखिर कितने नंबर पे है, तो टू आया। जब टू आया चूज ने दूसरा नंबर से जो है इसको दिया, लेकिन डेटा एक इसका एग्जांपल कब यूज करेंगे जब बड़ा डेटा होगा। अगर छोटा डेटा है तो वी लुकअप में हम डायरेक्ट इफ का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे कि इफ
अगर यहाँ पे क्वार्टर वन, मतलब कि अगर आपके पास अगर 10 15 20 नहीं है तो आप इसका यूज कर लें क्वार्टर वन, तो इसको सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको सिलेक्ट कर लें एंड कॉमा टू कॉमा जीरो। क्लियर है, कोई डाउट सर इसमें? करण जी एक बार चूज वाला रिपीट कर दो सर। चूज वाला में सिंपल सा है ना सर, कि चूज को अगर वी लुकअप देगा नंबर, अगर वी लुकअप ने क्वार्टर का अकॉर्डिंग सर्च करके वन दिया तो चूज पहला रिटर्न करेगा, अगर चूज ने दो दिया तो दूसरा रिटर्न करेगा। जैसा इफ है सर, इफ में हमने मैच किया कि इफ इक्वल टू क्वांटिटी, बट यहाँ पे 1 2 3 फिक्स है। ठीक है ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी टेबल या मल्टी शीट डेटा की, मतलब कि मेरे पास यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास सेल्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मैं इसको वैल्यू पेश कर देता हूं ताकि फॉर्मूला हट जाए। ऐसे इससे ज्यादा भी हो सकता है, फिलहाल तो दो है लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है। और यहां 10 के बाद 11 है, तो इसे इस एग्जांपल में क्या था कि डेटा इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है, और मैं चूज करना चाहता हूँ इसमें देखूं या इसमें देखूं। बट अब मेरे पास एग्जांपल क्या है कि डेटा दोनों में से किसी एक में होगा, तो पहले बार में सर्च करें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर दूसरे बार में सर्च करें, फिर तीसरा, फिर इसी तरह से आगे बढ़े। यहाँ पे मैं 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक इस एरर, एक वी लुकअप एक ही फॉर्मूला को एक ही सीट से लग सकता है, तो मुझे यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाने हैं, दो वी लुकअप लगाने हैं। और हमारा कंडीशन क्या है कि पहला वी लुकअप अगर एरर देता है तो दूसरा भी लुकअप चले, तो इसके लिए मुझे हेल्प करेगा इफ एरर का फॉर्मूला। तो इस एरर में हमने पहला दोनों भी लुकअप वन बाय वन डाल देंगे, पहला भी लुकअप सिलेक्ट किया कॉमा टू कॉमा जीरो, अगर ए भी लुकअप एरर देगा तो फिर दूसरा भी लुकअप चलेगा दूसरे टेबल से। ठीक है, क्लियर है सर? करण जी यस सर। और शरद जी कोई डाउट इसमें? नो सर, पहला एग्जांपल आपने जो बोला था उसमें जो कॉलम हम लेते हैं ना नंबर्स, उसमें लिमिटेशन था, लेकिन सेकंड एग्जांपल में नहीं है, तो अलग अलग वैल्यू को पे तो ले सकते हैं हम। हाँ, पहले मैं तो नंबर आईडी के बाद में सेल्स जो कॉलम में आती है ना वो सेकंड में रहने चाहिए थी, क्योंकि एक ही बार रेफरेंस देते थे ना हम। यहाँ पे अलग कर सकते हैं, यहाँ पे अलग वैल्यू को लग रहा है ना, अपने हिसाब से अलग। हाँ नहीं, तो वही बोल रहा हूँ, ये इफ एरर वाला बेटर है एग्जांपल। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस एरर इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें पूजा इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, दोनों ही इफ आपका फॉर्मूला रिजल्ट देगा ना। इसमें आपको एक ही विलुकअप लगाना है, दो विलुकअप नहीं लगा पाएंगे आप। राइट सर, लेकिन इसमें लिमिटेशन एक है कि वो डेटा है ना नेक्स्ट टू दोनों डेटा में कॉलम जो हम लेते हैं ना वो सेम ही रहना चाहिए। हाँ, बट यहाँ नहीं है। बट मान लीजिए अभी क्या है कि एक इफ एरर तो दो ही विलुकअप को कैरी कर सकता है ना, और मे बी डेटा आपका तीन या तीन से ज्यादा होगा तो सब क्या करेंगे सर? तो इसमें क्या होगा कि हम एक और इफ एरर लगा देंगे,
मतलब कि ये जो एक और इफ एरर लगाएंगे और इस इफ एरर के पहले पार्ट में पहले वाला इफ एरर और वी लुकअप रख देंगे, दो वी लुकअप जो है, और इसके सेकेंड पार्ट में तीसरा वी लुकअप लगा देंगे, ठीक है? समझ में आया सर? समझ में आया कि नहीं आया सर? तो इस एरर का पहला पार्ट है, दूसरा इफ एरर एंड दो वी लुकअप। अगर दोनों वी लुकअप चलने पे भी एरर आता है तो फिर इफ एरर तीसरे वी लुकअप को चलाएगा, और इसी तरह से कंटिन्यूस 3, 4, 5, 6, 7 को आगे कर सकते हैं। क्लियर है सर? चलिए। यस सर, यस सर। तो आप लोग जो है इफ एरर का इस्तेमाल करें, वीलुकअप का इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें। कल हम आपके पास एक लकल जो है हमारे वीलुकअप की आखिरी क्लास होगी, जिसमें कुछ और कंडीशंस, कुछ और चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट सर? यस सर। तो वीलुकअप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे कल आप रखिएगा, आप पूछ लीजिएगा।